आपके साथ मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर हमारी ये खास पेशकश प्रभु की बदली बदली रे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु दो दिन बाद रेल बजट पेश करने वाले हैं। रेल बजट को लेकर देश के लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं। रेल बजट से पहले हम यात्रीगणों के लिए शुभ समाचार लेकर आए हैं और ये शुभ समाचार आपके ट्रेन में बैठने से लेकर ट्रेन से उतरने तक के हर कदम से जुड़ा है। भारतीय रेल और रेलवे स्टेशन में बदलाव की बयार बह रही है। कुछ वक्त पहले मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशन को सजाया संवारा गया। तैयारी पूरे देश के रेलवे स्टेशन को चमकाने की है। मुंबई से कविता शर्मा की रिपोर्ट देखिए। स्वच्छ सुंदर और मनमोहक सजावट, यह नजारा देखकर कुछ देर के लिए आपको यकीन नहीं होगा कि ये मुंबई का बोरीवली रेलवे स्टेशन है। देश के रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की शुरुआत मुंबई के बोरीवली स्टेशन से होती है। रेलवे ने मेकिंग अ डिफरेंस फाउंडेशन नाम के एनजीओ की मदद से मुंबई के स्टेशनों का मेकओवर किया था। बोरीवली और खार स्टेशन के सौंदर्यीकरण का काम एनजीओ की तरफ से किया गया। माटुंगा, सायन और किंग सर्कल स्टेशनों का भी मेकओवर किया गया था। हमारे साथ बहुत सारे यूथ जुड़े होंगे, तो यूथ के साथ एक चीज पता चला कि हम स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ हम अपना स्टेशन या अपना परिसर ब्यूटीफाई करेंगे, तो ब्यूटीफिकेशन से एक काफी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, जिससे कि वो ब्यूटीफाई चीज रहती है तो वहाँ पे हम बिगाड़ने के लिए नहीं सोचते है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 10 से 12 लाख रुपए की लागत आई। इस काम में 100 कार्यकर्ता जुड़े और 3D पेंट का इस्तेमाल किया गया। I think the art is really great. It brings color to the train station and it's interesting to look at. It's really beautiful to see a bit of the life of Mumbai sort of in full technicolor. आम लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पेंटिंग के जरिए स्टेशन को सजाने संवारने के काम में हाथ बटाया। इसके तहत बोरीवली स्टेशन में 30 सीढ़ियों पर रंग बिरंगी पेंटिंग की गई। इनमें से कई सीढ़ियों पर 3D पेंट भी लगाया गया। कई सीढ़ियों को LED लाइट से जगमगाया गया। प्लेटफॉर्म पर 54 खम्भों को सजाया संवारा गया। 20 मनमोहक चित्र स्टेशन पर लगाए गए। भारतीय रेल का ही कायाकल्प नहीं हो रहा, बल्कि जो रेलवे स्टेशन है उन्हें भी खूबसूरत बनाया जा रहा है। कई सारे NGOs, कई सारे कॉर्पोरेट्स और यहाँ तक के लोग खुद शामिल होकर इन रेलवे स्टेशन पर पेंटिंग कर रहे हैं, इन्हें खूबसूरत बना रहे हैं। अब सवाल उन यात्रियों से है जो बजट के मौके पर रेल मंत्री से सुविधाओं की मांग तो करते हैं, वहीं रेलवे की तरफ से मुहैया कराई गई सुविधाओं को देते वक्त ये जरा भी नहीं सोचते कि रेलवे देश की संपत्ति है और इसे साफ और स्वच्छ रखना यात्रियों की ही जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। तो रेल बजट से दो दिन पहले हम आपको एक खास पेशकश में ट्रेन में आपके सफर को सुहाना बनाने वाली खबरें दिखा रहे हैं। जी हाँ, आप खबर आपके सफर को आरामदायक बनाने वाली, क्योंकि अगर आपकी ट्रेन लेट है तो रेलवे स्टेशन पर एक 5-स्टार सुविधाओं वाला वेटिंग लाउंज आपको वेलकम कह रहा है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अगर आपको पता चला कि ट्रेन लेट है तो आप रुक करते हैं वेटिंग रूम, जिसको लेकर सबकी ये शिकायत है कि ट्रेनों के वेटिंग रूम वैसे क्यों नहीं जैसे एयरपोर्ट वेटिंग लाउंज। तो आपकी ये शिकायत भी अब दूर हो रही है और शुरुआत हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां बेहतरीन सुविधाओं वाला वेटिंग लाउंज आपके वेलकम के लिए तैयार है। रेलवे में सफर करने के दौरान बहुत तरह की शिकायतें पैसेंजर्स को रहती हैं, लेकिन आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए और क्या क्या इंतजाम हो रहे हैं और कहां कहां क्या क्या बदल रहा है। ऐसी ही हम तस्वीर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी एक दिखाते हैं, जहां पर एग्जीक्यूटिव लॉन्च बनाया गया है। वो खासतौर पर पर्यटकों के लिए या फिर कोई भी भारतीय उपयोग करना चाहे, भारतीय पैसेंजर, वो भी उपयोग कर सकता है। यानी अब वेटिंग लाउंज में ट्रेन का इंतजार आपको बेकरार नहीं करेगा, क्योंकि ये वेटिंग लाउंज 5-स्टार सुविधाओं जैसा है। लाउंज बहुत अच्छी है, पैसेंजर्स आते हैं, रेस्ट करते हैं, फुल फैसिलिटी है, है ना, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बाहर की गंदगी से सेफ है। अब हम आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इस वेटिंग लाउंज की खासियत भी बताते हैं। इस लाउंज में एंट्री फीस 150 रुपए है। 150 रुपए में आप वेटिंग लाउंज का इस्तेमाल 2 घंटे के लिए कर सकते हैं। इसमें आपको चाय, कॉफी, शरबत, न्यूज़पेपर, मैगजीन और वाईफाई फ्री मिलेगा।
आप वो सुविधाएं भी बता दें कि इस एग्जीक्यूटिव लॉन्ज में क्या क्या है। 100 सबसे पहले 150 रुपए तो एंट्री फीस है इस जगह की, लेकिन आपको दो घंटे रुकने को इस जगह पर मिलेगा। इसके अलावा चाय कॉफी और शरबत फ्री में, वाईफाई की सुविधा भी अवेलेबल है। अगर आप दो घंटे से ज्यादा वक्त के लिए रुकना चाहते हैं तो हर एक घंटे के लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इतना ही नहीं, इस वेटिंग लॉन्ज में आप 200 रुपए में लंच या डिनर और 100 रुपए में ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं ये 5-स्टार वेटिंग लॉन्ज है, अब इसकी वजह आपको बताते हैं। अगर आप महसूस करते हैं इस वेटिंग लॉन्ज में 50 रुपए में 15 मिनट तक फुट मसाज करा सकते हैं। इस लाउंज में 125 रुपए देकर वॉश एंड चेंज किट भी मिल रही है, यानी आपके फ्रेश होने का पूरा सामान। तो रेल अब झेल नहीं है, और शुभ समाचार ये है कि ट्रेन में बैठने से पहले से लेकर बैठने के बाद तक आपकी हर सुविधा का ख्याल रेलवे कर रही है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो एक साफ सुंदर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद मन प्रसन्न होता है, और जब मन खुश हो तो ट्रेन में बैठते ही आप जरूर कहेंगे कि एक कप चाय हो जाए। ट्रेन के सफर के दौरान और उसके बाद भी जो आवाज आपको नहीं भूलती वो यही है, चाय ले लो चाय। और इसी चाय को लेकर कई बार यात्रियों की शिकायत रहती है कि ट्रेन में मिलने वाली चाय बढ़िया नहीं रहती। हम रेलवे में अगर बात करें तो हमें नहीं पता कि वो दूध की चाय बनी हुई है या डिटर्जेंट की चाय बनी हुई है। लेकिन ट्रेन के सफर के दौरान चाय के शौकीनों के लिए जायकेदार खबर है, और वो खबर ये है कि अब आप ट्रेन में 25 फ्लेवर की ब्रांडेड चाय का मजा ले सकते हैं। ट्रेन में सफर करने के दौरान अक्सर आपको शिकायत रहती है चाय का टेस्ट ठीक नहीं है, चाय अच्छी नहीं बनी है, तो ऐसे पैसेंजर्स के लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली से जुड़ने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं अब उनमें 25 तरह की चाय का ऑर्डर आप दे सकते हैं। ये चाय मिलेगी कैसे, इसका तरीका हम बताते हैं। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से दो घंटे पहले ऑर्डर देना जरूरी है। ऑर्डर आप IRCTC की वेबसाइट या चायोज के ऐप के जरिए भी दे सकते हैं। ऑर्डर कार्ड पेमेंट के जरिए या फिर ट्रेन में चाय मिलने के बाद भी पेमेंट किया जा सकता है। इस सुविधा के लिए इंडियन रेलवे ने चायोज के साथ टाई अप किया है। एक चाय को हमारे पास बनाने के 12,000 तरीके होते हैं, जैसे आप बोलेंगे बिना दूध की चाय, हनी जिंजर टी, जो भी आप बोलेंगे सब मिलेगा आपको। तो उसके वे 12,000 होते हैं, उसमें ग्रीन टी होगा, ब्लैक टी होगा। अब हम आपको बताते हैं कि ट्रेन में जो चाय आपने ऑर्डर की है उसकी कीमत क्या है। कम से कम ऑर्डर 60 रुपए का होगा, जिसमें 4 कप चाय होंगी। 25 तरह के फ्लेवर की चाय का विकल्प होगा, आप उनमें से 4 फ्लेवर चुन सकते हैं। इस समय ट्रेनों में जो चाय मिल रही है वो 10 रुपए के आसपास है। अब 15 रुपए में मनपसंद चाय का विकल्प मिल रहा है। इतने में अगर 4 लोगों के लिए करते हैं तो वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, अच्छा है। या इट्स वेरी नाइस, आई थिंक इट्स वेरी रीजनेबल। जाहिर है ये खबर देखकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि ट्रेन में चाय हो जाए। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए गर्मा गर्म चाय की चुस्की के बाद बात खाने की कहेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि रेलवे की क्या तैयारी है आपको अच्छा खाना ट्रेन के सफर के दौरान देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। टैक्स रिफॉर्म्स हैं, वो सारी रिफॉर्म्स हैं, वो बजट से रिलेटेड नहीं है, वो तो अलग ही चीज है। लेकिन बजट में खासतौर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर ज्यादा दिया जाए, खासकर से जो पैसे बचे हैं हमारी फॉरेन एक्सचेंज आउटगो से, तो उसके लिए मतलब वो अगर हमें नजर आएगा तो बहुत ही हौसला बढ़ेगा। ब्लू पॉइंट अल्कलाइन कर पानी को और इसका अल्कलाइन फिल्टर में लाए पानी में जरूरी मिनरल्स। ब्लू माउंट अल्कलाइन आरो सबसे प्योर सबसे हेल्थी। इस अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है ब्राह्मी, आमला, भृंगराज, घृत कुमारी, जटामासी, मेहंदी व नागेसर आदि बेशकीमती 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल व शैंपू। अब अपने बाला किसी ख्वाब को ही अपनी जिंदगी मान के जीना बहुत मुश्किल काम है, और उस राह पर चलना उससे भी मुश्किल। इसके लिए काबिलियत चाहिए,
इरादा चाहिए, जुनून चाहिए और आखिर में आपकी हर कुर्बानी आपकी अमानती है। I say yes to my choice. I say yes to my dreams. आज के हजारों शेयर्स में से क्या है आपके लिए बेस्ट? गोल्ड खरीदें या सिल्वर बेचें? मार्केट बुलिश या बेरिश? करें अपने पैसों को मल्टीप्लाई। SMS करें एपिक 56363 पर या लॉग ऑन करें epicresearch.co। ये चांदनी का चौक है, ये रविंद्र का सेतु है, मरीना का बीच है, ये आजाद का मैदान है, खड़े सिंह का मार्ग है, चित्तरंजन का एवेन्यू है, ये अन्ना का नगर, यही है गंगा की है, ये नदी, ये लक्ष्मी की कॉलोनी है, बंकिम का स्ट्रीट है, ये रिमंड का पॉइंट है, और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा, यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी, पान नहीं सूखने दूंगा, क्या चिंता, नहीं फेंकने दूंगी, अरे एक बार 2.25 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। An exclusive and easy finance option for e-commerce sellers. Introducing SBI Smart SME e-commerce loan. A collateral-free, fast online loan. For more details, log on to www.sbi.co.in. Many things, but just one phone. Make that special with the Jioni S6. पेश है SBI फ्लेक्सी पे होम लोन्स। EMI जो आपकी आज की और भविष्य की आय के अनुरूप है। जब आप अपना ड्रीम होम SBI फ्लेक्सी पे होम लोन्स के साथ आज खरीद सकते हैं, तो कल का इंतजार क्यों? चाय की चुस्की तो ब्रेक से पहले हो गई थी, लेकिन यात्रीगणों की सबसे बड़ी शिकायत ट्रेन में मिलने वाले खाने को लेकर है। ट्रेन में मिलने वाले भोजन से शायद ही कोई संतुष्ट हो, लेकिन अब शिकवा शिकायत तो बीते जमाने की बात होने वाली है, क्योंकि अब 71 बड़े ब्रांड्स आपका भोजन लेकर आपकी सीट तक आ रहे हैं। रेलगाड़ी रेलगाड़ी इस वाले स्टेशन बोले रुक 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 लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ फ्लाई छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के ढेर बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान। ट्रेन में जायकेदार चाय के शुभ समाचार के बाद अब बारी लजीज खाने की है, और वो भी 71 बड़े बड़े ब्रांड के खाने, यानी अब ट्रेन में थाली बड़े ब्रांड वाली। तो क्या रेलवे के सफर के दौरान अब आपकी ये शिकायत दूर होने जा रही है कि ट्रेन में पेंट्री का खाना मजबूरी खाना पड़ता है? जी हाँ, अब शिकायत दूर होने जा रही है, क्योंकि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने 71 नामी ब्रांड के रेस्टोरेंट और फूड चेन वाली कंपनियों से टाई अप किया है, जो आपकी सीट तक आपकी पसंद का खाना पहुंचाएंगी। कलता साहब, जनता के पास क्या क्या विकल्प है खाने में? अभी हम लोगों ने वेंडर्स, करीब 71 वेंडर हमारे पास हैं जो कि हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। उनमें से कुछ बड़े बड़े नाम भी हैं, जैसे डोमिनोज है, KFC है, फूड पांडा है, हमारे पास चायोस है, और ये ऐसे बहुत सारे देवयानी हैं, TFS हैं। ये लोग जैसे कोई ट्रेन में सफर कर रहा हो, 2 घंटा पहले तक ऑर्डर कर सकते हैं खाना। यानी अब ब्रांडेड खाने के सामान सिर्फ फूड प्लाजा में नहीं, ट्रेन के डिब्बे में भी मौजूद होंगे। अब आप इनका ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको समझाते हैं। खाने का ऑर्डर आप IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक करते वक्त भी दे सकते हैं।
भले ही दो महीने या तीन महीने पहले टिकट बुक कर रहे हैं, आपका ऑर्डर आपकी सीट पर यात्रा के दौरान उसी रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध होगा जहां आप बुक करेंगे। जो मल्टीपल ब्रांड्स के जो फूड स्टोर हैं उनसे खाना खाना है तो 71 तरह के ब्रांड्स के साथ रेलवे IRCTC ने टाई अप किया है। आप उसके लिए ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फोन नंबर के जरिए भी बुक कर सकते हैं। खाने का ऑर्डर ऑनलाइन कभी भी बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑर्डर के लिए कम से कम 2 घंटे का वक्त देना होगा। हेल्पलाइन नंबर 1323 पर या फिर SMS के जरिए बड़े ब्रांड्स का खाना बुक कर सकते हैं। ऑर्डर कम से कम 60 रुपए का होना चाहिए। ऑर्डर पर कैश ऑन डिलीवरी का भी विकल्प है। फिलहाल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे 45 बड़े स्टेशन पर तकरीबन 1500 ट्रेन में आप इन ब्रांडेड खाने का ऑर्डर दे सकते हैं। रेलवे फिलहाल मार्च तक ये सुविधा रेलवे ट्रायल के तौर पर चला रहा है। अगर रिस्पांस ठीक रहा तो रेलवे इस सुविधा को बढ़ाएगा। किन किन ट्रेनों में ये सुविधा है इसे IRCTC की वेबसाइट से देखा जा सकता है। तो रेल बजट से पहले हम यात्रीगण के लिए शुभ समाचार लेकर आए हैं। शुभ समाचारों के बुलेटिन में अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो रेलवे के ट्विटर हैंडल से जुड़ी हुई है। रेलवे यात्री अपनी परेशानियों और शिकायतों को लेकर रेल मंत्री को ट्वीट कर रहे हैं और उस पर फौरन कार्रवाई भी की जा रही है। सुरक्षा और सुविधा के मामले में रेलवे का ट्विटर हैंडल जिस तरह से काम कर रहा है वो शुभ समाचार है। एक सीनियर ऑफिसर आए और उन्होंने प्रॉब्लम्स का कंफर्मेशन किया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई ये उन्होंने बाद में ट्वीट किया और मैंने भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ये ट्वीट किया। मुंबई में मेडिकल की पढ़ाई कर रही नम्रता महाजन रेल मंत्री सुरेश प्रभु का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही है। नम्र कहानी डिजिटल होते भारत और रेल मंत्रालय कहानी है। 26 नवंबर 2015 को नम्रता नागपुर में अपने घर से मुंबई लौट रही थी। इसी दौरान को लेकर एक शख्स उन्हें परेशान करने लगा। शेगांव के पास उन्होंने ट्विटर पर रेल मंत्रालय से मदद मांगी, @RailMinIndia पर मदद के लिए ट्वीट किया। रेल मंत्रालय तुरंत एक्शन में आया और 40 मिनट बाद जैसे ही ट्रेन भुसावल पहुंची, कंपार्टमेंट में मदद के लिए RPF पहुंच गई। जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आया पुलिस आए, 6 से 7 पुलिस आए और उन्होंने तुरंत मुझे ट्रेस कर लिया मेरे ट्रेन में, मैं कहां बैठी हूं कंफर्म कर लिया, मेरा जो प्रॉब्लम है वो नोट डाउन कर लिया, उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया प्रॉब्लम का और डिटेल्स में लिखे और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। सोशल मीडिया की मदद से नम्रता और उन जैसे मुसाफिर मुश्किल घड़ी में रेल मंत्रालय तक अपनी परेशानी पहुंचाकर मदद हासिल कर रहे हैं। नम्रता इस तरह की मदद को वरदान मानती है और कहती है कि रेल मंत्री नए रेल बजट में महिला सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाएं। अगर मिनिस्ट्री को डायरेक्टली आप ट्वीट करोगे तो उनको प्रॉब्लम जेन्यून लगेगा और तुरंत वो आपको हेल्प पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया का तो यूज करेंगे बट एग्जैक्टली सिक्योरिटी इन ईच कंपार्टमेंट जो है शुड बी इम्प्रूव्ड। नम्रता को चलती ट्रेन में जो मदद मिली वो रेल मंत्री की पॉजिटिव सोच की नजीर है। नम्रता की तरह सैकड़ों लोग हर रोज रेलवे के ट्विटर हैंडल पर मदद और शिकायतों से भरे ट्वीट करते हैं और रेलवे उनकी परेशानियों को फौरन हल करने की कोशिश करता है। रेलवे ने इस काम के लिए बाकायदा दिल्ली में अपने मुख्यालय रेल भवन में एक अलग डिपार्टमेंट भी बनाया है। ट्रेन में सफर करने के दौरान कई तरह की शिकायतें पैसेंजर्स को रहती हैं, लेकिन अब उन शिकायतों को सुना भी जा रहा है, दूर भी किया जा रहा है और इसके लिए रेल मंत्री की जो ट्विटर टीम है वो 24 घंटे काम करती है। हम आपको दिखाते हैं वो कंट्रोल रूम, तो ये ट्विटर पर जो मॉनिटरिंग टीम करती है ये कंट्रोल रूम है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो कर्मचारियों की टीम है, अधिकारियों की टीम है जो लगी हुई है वो मदद भी कर रही है और सही टाइम पर कोशिश करती है कि सही वक्त पर मदद पहुंच सके। ये एक नया ट्रेंड है कि लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने देश के सिस्टम और उसे चलाने वाले मंत्रियों से सीधे बातचीत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें सरकार के आला दर्जे के अफसरों और मंत्रियों से पॉजिटिव रिस्पांस यानी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल रही है। बेसिकली सुबह और शाम दो बार हम लोग EDPG साहब के साथ, रेल मंत्री साहब के साथ इसका विश्लेषण करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है और कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये रेगुलर इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है, हम लोग रेगुलर इम्प्रूव करते रहेंगे। ये भारतीय रेल का बदला हुआ रूप है कि एक ट्वीट पर जरूरतमंदों की मदद हो रही है, लेकिन रेल प्रशासन अगर दूसरी शिकायतों पर भी यूं ही गौर करे तो रेलवे का सफर और सुहाना हो सकता है। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ एहसान अब्बास,
जी मीडिया मुंबई। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद बिजी बिजनेस पर खबरों का दौर लगातार जारी है। नमस्कार।